Good morning, students of class 5. Today I am going to start a poem which is 9 gold medals. ठीक है, जैसे कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फाउंडर जिसका नाम क्या है, पियर डे कुबर्टिन, उन्होंने कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है ओलंपिक गेम्स का, उसको जीतना नहीं होता है बल्कि उसमें भाग लेना होता है. और सबसे ज़रूरी चीज़ जो जिंदगी में होती है वो लड़ना, सॉरी जीतना नहीं होता है, उसमें क्या होता है, लड़ना होता है. तो ये जो पोएम है इसी स्पिरिट के बारे में है. द एथलीट्स द हैड कम फ्रॉम सो मैनी कंट्री. एथलीट्स यानी जो पार्ट लेते हैं खेलों में, तो एथलीट्स जो होते हैं ये बहुत सारी कंट्रीज से आए हैं. टू रन फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज. किसके लिए? गोल्ड मेडल के लिए, सिल्वर के लिए और ब्रॉन्ज मेडल के लिए. मैनी वीक्स एंड मंथ्स इन ट्रेनिंग. बहुत हफ्ते लगे हैं उनको, मंथ्स महीने लगे हैं ट्रेनिंग में, अपने आप को खेल के लिए तैयार करने में. ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स. सब अपने आप को खेल के लिए तैयार करते हैं, महीनों लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं अपने आप को गेम के लिए तैयार करने में उनको. ठीक है. All round the field spectators were gathered. Spectators यानी क्या होता है, people watching an event. क्रिकेट जहाँ होता है वहाँ पे देखते हैं ना, किनारे किनारे सब कोई बैठा हुआ होता है इस टाइप का, तो इनको क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर्स. तो उस फील्ड में स्पेक्टेटर्स सब इकट्ठा होते हैं. चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन. ठीक है, जितने भी चीयर करते हैं ना वो सारे, जितने भी यंग वुमेन हैं, मैन हैं, सब चीयर करते हैं. देन द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग, द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन. और जो आखिरी रेस होता है वो शुरू होने ही वाला रहता है. ठीक है. द लाउड स्पीकर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द रनर्स. जो दौड़ने वाले रहते हैं ओलंपिक गेम में, वहाँ पे उसका उनका नाम लेता है कौन, लाउड स्पीकर चिल्ला चिल्ला के उनका नाम लेता है. द 100 मीटर टू द रेस टू बी रन. और जिसको, जिन लोगों को 100 मीटर रेस दौड़ना है. एंड 9 यंग एथलीट्स स्टूड देयर डिटरमाइंड एंड पॉइज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन. पॉइज्ड यानी कि मतलब क्या होता है, इन अ पोजीशन. अपने आप को दौड़ने का एक पोजीशन होता है ना, तो अपने आप को रेडी करना दौड़ने के लिए. तो वो जितने भी 9 एथलीट्स होते हैं, जवान एथलीट्स होते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं कि जैसे ही गन का आवाज़ आएगा वो अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड. वो सिग्नल दे दिया गया था, पिस्टल जो है वो चलाई गई. एंड शो डिड द रनर्स ऑन हियरिंग द साउंड. और जितने भी रनर्स थे, जो दौड़ने वाले थे, वो उस पिस्टल का आवाज़ सुन करके, बट द यंगेस्ट अमंग देम स्टम्बल्ड एंड स्टैगर्ड. लेकिन उसमें जो सबसे यंगेस्ट था, स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैगर्ड का वॉक्ड एंड अनस्टेडी स्टेप्स एज इफ अबाउट टू फॉल. उसमें जो सबसे यंग रहता है वो बहुत ही धीरे, अनस्टेडी स्टेप यानी धीरे धीरे चलता है, जैसे लग रहा था कि वो गिर जाएगा. ठीक है. अनस्टेडी. And he fell on his knees to the ground. और वो अपने पैरों से, सॉरी नीज, घुटनों के बल वो ज़मीन पर गिर जाता है. He gave out a cry of frustration and anguish. वो अपने frustration यानी tension में आके रोता है. Anguish का मतलब होता है pain, दर्द में और tension में, frustration में वो चिल्ला करके रोता है. His dreams and his efforts dashed in the dirt. उसका जो सपना है, उसका जो कोशिश है, मेहनत है, वो पूरा उस dirt में, गंद वहाँ पे जो डर्ट रहता है, गंदा गंदगी रहता है, उसमें बर्बाद हो जाता है, डैश हो जाता है, मिल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. ठीक है. बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी. लेकिन ये श्योर है कि जैसे मैं यहाँ पे टेलिंग स्टोरी बता रहा हूँ, नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर्स वॉट अकर्ड. लेकिन ये क्या होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है, स्ट्रेंज होने वाला है. ठीक है. The 8 other athletes stopped in the tracks. जो आठ जितने भी रनर्स थे, एक तो वो गिर चुका था बेचारा, लेकिन 8 जो रनर्स एथलीट्स थे वो अपने ट्रैक्स पे ही रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं. द वंस हु हैड ट्रेन्ड फॉर सो लॉन्ग टू कम्पीट, वन बाई वन दे टर्न राउंड एंड केम बैक टू हेल्प हिम. जितने भी जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, वो भी रुक जाते हैं. जो बहुत दिनों से कम्पीट करने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, वो भी एक एक करके वो घूम करके उसके पीछे आते हैं हेल्प करने के लिए उसको. एंड लिफ्टेड द लैड टू हिज फीट. और वो फीट को उनको उठाते हैं. देन ऑल 9 रनर्स ज्वाइन हैंड्स एंड कंटिन्यू द 100 मीटर्स रिड्यूस टू अ वॉक. अब वो जितने भी 9 रनर्स होते हैं, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो 100 मीटर को चलते हैं. ठीक है, चलते हैं, वो दौड़ते नहीं. एंड द बैनर अबव द सेड स्पेशल ओलंपिक. और बैनर क्या रख देते हैं, स्पेशल ओलंपिक. कुड नॉट हैव बीन नियरर द मार्क.
ठीक है, दैट्स हाउ द रेस एंडेड, ऐसे ही कैसे ये रेस खत्म होता है, नाइन गोल्ड मेडल्स, इसका नाम क्या रखा जाता है, नाइन गोल्ड मेडल्स, दे केम टू द फिनिश द लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल, और वो फिनिश जहाँ पे रनिंग खत्म होता है वहाँ पर भी वो हाथ पकड़ के आते हैं, एंड द बैनर अबव नाइन स्माइलिंग फेसेस, और वहाँ पे बैनर क्या रहता है, नाइन स्माइलिंग फेसेस, यानी नौ मुस्कुराता हुआ चेहरा, एंड शेड मोर देन दीज वर्ड्स एवर, जो उस चीज़ों उससे ज़्यादा इस चीज़ को बताता है कि वो कितने खुश थे, भले वो रेस इस उस एक यंग लड़के के वजह से छोड़ देते हैं लेकिन वो अभी भी कितने खुश थे, ठीक है, उसका हेल्प करने के लिए वो सारे आ गए थे। तो आई होप ये आपको ब्यूटीफुल सा पोएम समझ में आया होगा। थैंक यू।